के लिए नहीं हूँ, मेरे साथ है अर्जुन एंड आनंद। सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है कि इन दोनों ने आज अपना इंटरव्यू क्लियर करके एयरलाइंस में नौकरी के लिए, एयरपोर्ट में नौकरी के लिए अपना कदम बहुत आगे तक बढ़ा लिया। मतलब अभी कुछ ही जस्ट फॉर्मेलिटीज की बात है, जैसे इनका आना है पासपोर्ट, और इनका पासपोर्ट तो है, इनका BCS पासेस के लिए, मेडिकल्स के लिए ये सारा तैयारी होगा आफ्टर 3 वीक्स। एंड इसके बीच में अर्जुन जाएगा घर, एंड उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे एक बार इन दोनों से बात करवा लेते हैं, इन दोनों अपना अपने अपने मतलब एक्सपीरियंसेस में कैसा फील हो रहा है ये शेयर करेंगे। तो अर्जुन आप थोड़ा सा बताओ व्यूअर्स को कि कैसा था आज का दिन, एंड क्या क्या पूछा सर ने अपने आप, कैसे आपने सारा चीज को हैंडलिंग किया, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है, करियर का एक फर्स्ट स्टेप है अपने जीवन में जो करने जा रहे हो, तो जस्ट शेयर दैट मोमेंट। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। तो सर जब आया था तो मैंने आए थे तो मैं बहुत नर्वस था, क्या पूछेगा क्या बताओगा। तो फिर मैं आया इंटरव्यू देने के लिए, फिर एक दो क्वेश्चन के बाद मैं पूरा नॉर्मल हो गया और कॉन्फिडेंट हो गया। तो पहले वो पूछा था कि इंट्रोडक्शन दो, मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर पूछा आप एविएशन में क्यों आ रहे हो, फिर पूछा और भी तो जॉब है तो उसमें क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैंने बताया कि एविएशन में क्यों आ रहे हैं, जो मैम ने सिखाया था वही बताए। तो वो ये भी पूछा कि आप जो काम करने जा रहे हो क्या उसके बारे में कुछ जानते हो, मैम ने सब बता दिया था तो हम लोग वो बोल दिया। और ये पूछा कि कैसे सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, क्या तुम ईमेल जानते हो, तो मैंने बताया सब कुछ जो जो मैम ने बताया कि हम कंपनी के नॉर्म से सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, कोई फिगर नहीं बताया। तो आज तो मेरा बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पास हो गया, ये सब कुछ मैम के द्वारा। नहीं नहीं, एक्चुअली बात ये है ना कि हम लोग तो सिखाते थे, डेफिनेटली है सबको खुद का अपना अपना मेहनत भी रंग लाता है, मेहनत का फल तो ऑलवेज मीठा ही होता है, जो जितना मेहनत करेंगे उतना तो मिलेगा। तो अर्जुन ने काफी मेहनत किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मैं आती हूँ थोड़ा आनंद के पास कि आनंद आपका जैसे हम तो आनंद बोल रहे हैं ना, तो आनंद को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आनंद भी बंगाली है और हम लोग आनंद नहीं बोलते बंगाली में, एक्चुअली हम लोग आनंदो बोलते हैं। सो मैं इनसे पूछूंगी कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने पहले बहुत मतलब एकदम बिल्कुल इंटरव्यू कैसे पूछा जाता है इनके बारे में इनका नॉलेज नहीं था, फिर इन्होंने यहाँ पे आया तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इनको सिखाया कि कैसे इंटरव्यू फेस किया जा सकता है। तो आज वो हम शेयर करेंगे कि कैसा था उनका इंटरव्यू और कैसे फील हो रहा है। आनंद मेरा पहला इंटरव्यू है तो बहुत खुश लग रहा है, मैं पास कर गया, पास हो गया मैंने। तो मेरे जो सर इंटरव्यू मुझे लिया तो वो 2-3 क्वेश्चन किया मेरे को, तो मेरे सीधा सीधा जवाब दे दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं पास हो गया इसलिए। वेरी गुड। एंड इसमें सबसे बड़ी एक बात है कि जो सर इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, आप दोनों ने उनको देख के भी क्या सीखा, सर कैसे आए थे, कैसे ड्रेसअप करके आए थे, कैसे बातचीत कर रहे थे, कैसे वेल रूम थे, ये सब क्या सीखा? स्मार्ट होके जाना है, वेल रूम होके जाना है। और जैसे देखिए इन्होंने जो कपड़ा पहना हुआ है, मैंने आपको बोला था कि मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी, जैसे इन्होंने जो ड्रेस जो इंटरव्यू का जो फॉर्मल जो आउटफिट होता है इन्होंने पहने हुए हैं, दोनों ही टाई लगा के हुए हैं, जैसे शर्ट पहने हुए हैं, तो ये जो सारी चीज है ये चीज भी आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि इंटरव्यू ओनली ये नहीं है कि बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, वो नहीं है, आपको एक अच्छे से बाहर से भी आपको प्रेजेंटेबल लगे वैसा भी आपको खुद को तैयारी करके जाना पड़ेगा। सो आप लोग ध्यान में रखिए, ये सारी चीज आप मेंटेन करिए, आपका भी जब इंटरव्यू आएगा उससे पहले अगर आप लड़का है तो आप इन दोनों जैसे बनके जाइए, देखिए कितना अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में ये दोनों अपने आपको प्रेजेंट किया है। एंड इसके साथ साथ जो चीज आपको बोला जा रहा है, जो चीज आपको सिखाया जा रहा है, उसको सारे चीज को आप पढ़ते रहिए। हम लोग इन दोनों को लेके ना आप बाद में भी आएंगे, जब लोग ज्वाइन कर जाएंगे अपने यूनिफॉर्म पहन लेंगे, जब भी हो 2-3 हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं होता, क्योंकि कोई भी काम के लिए ये टाइम तो लगता ही है, क्योंकि एविएशन का खुद का प्रोसेस होता है, इनमें BCS का ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का पास ना मिलने से कोई एयरपोर्ट में एंट्री नहीं ले सकता, उन पास मिलने में भी 3-4 वीक्स टाइम लगता है, उनका अपना फॉर्मेलिटीज होता है, ये तो निकल ही जाएगा, जीवन बहुत बड़ी मतलब एक लंबा टाइम होता है
तकरीबन इससे एक महीना 3 वीक्स का बात होता है, बट जब ये लोग यूनिफॉर्म पहन लेंगे फिर मैं इन लोगों को दोबारा आपके सामने ले आऊंगी, क्योंकि आप लोग इन लोगों का ना तैयारी देखे हुए है। इन लोगों ने ट्रेनिंग ले रहा है, अर्जुन ट्रेनिंग ले रहा है, अर्जुन ने कुछ बोल रहा है, मतलब आपके जैसे इंटरव्यू हम इनके साथ लिए थे मॉक इंटरव्यू, तो कैसे मॉक इंटरव्यू दिया था ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है। आज इंटरव्यू के बाद, क्योंकि इंटरव्यू एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, उस टाइम मैं शूट नहीं कर सकती थी सर के सामने, बिकॉज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, स्टिल मैंने सोचा कि इन लोगों को आफ्टर इंटरव्यू क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा गया हुआ है, वो सारी चीज शेयर करें। तो ठीक है, आज ना मैं थोड़ा सा, हम लोग जाएंगे भी काफी लंबा टाइम से, हम लोग भी थोड़ा सा टेंशन में थे कि कैसे होगा कैसे जाएगा, मुझे तो कॉन्फिडेंस था ही अपने बच्चों पर, बट स्टिल हो जाता है क्योंकि एट द मोमेंट क्या होगा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है तो थोड़ा सा ये लोग ऐसा ही है। तो एनीवेज, तो आप जान, ये लोग आज हम लोग वीडियो खत्म करने से पहले ना, ये जो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं खुद को इंटरव्यू के लिए, ये कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स आपको देंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे करना है। तो अर्जुन आप थोड़ा सा बताओ कि क्या टिप्स देना चाहते हो जो लोग देख रहे हैं, जिनका इंटरव्यू मान लो कल है, परसों है, कुछ भी है, कभी भी है, तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको, थोड़ा सा बताओ अपने एक्सपीरियंस। पहले तो इंट्रोड्यूस कंप्लीट कीजिए, इंट्रोडक्शन जो है, जो इंट्रोडक्शन है, फिर जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में कुछ नॉलेज लीजिए, और जिस इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज ले लीजिए, और थोड़ा थोड़ा स्पोकन इंग्लिश, हिंदी ये भी सीख लीजिए, ऐसे ही थोड़ा। वेरी नाइस, यही चीज है कि जो वेरी बेसिक चीज है आपको सीखना पड़ेगा कोई चीज, और जहां भी जाइए वेल घूम होके जाइए। अब आनंद आपको बताएंगे कि आनंद आप क्या बोलना चाहते हो, जैसे आप जैसे कोई आना चाहता है जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे, क्या टिप्स दोगे उनको? मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ जो पहले इंटरव्यू दे रहा है, पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, उनको थोड़ा ड्रेस अप ठीक करके जाना चाहिए, तो सर जो भी आपको जो सर ने जो आपसे पूछेंगे अच्छे से कॉन्फिडेंटली जवाब देना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बस हंसमुख होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा मुस्कुरा के आप बात करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखिए ये लोग खुद इंटरव्यू दे के आए हुए हैं, तो ये आपको अच्छे तरह से बता सकते हैं कि कैसे देना है। तो आज हमारा जो वीडियो है हम लोग यही पे खत्म करते हैं, बहुत जल्द आएंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।